मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आ रही है। हार्ट अटैक की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, ये खबर इस वक्त बांदा मेडिकल कॉलेज से आ रही है। हार्ट अटैक की वजह से माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। आज शाम का ये वाक्या है जब इफ्तार के बाद तबियत बिगड़ी मुख्तार अंसारी की। मेडिकल चेकअप उसका उस वक्त हो रहा था बांदा जेल में ही, और वहीं पर तबियत बिगड़ती है। मुख्तार अंसारी ने बताया कि उसके सीने में दर्द हो रहा है, उसे पसीना आने लगा, जिसके बाद डॉक्टर्स तुरंत ही बांदा मेडिकल कॉलेज लेकर गए मुख्तार अंसारी को। 9 डॉक्टर्स को बुला लिया गया, सभी डॉक्टर्स मुख्तार अंसारी के चेकअप में जुट गए। आईसीयू में, फिर सीसीयू में मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया गया। और अब जो बड़ी खबर आ रही है, हार्ट अटैक की वजह से माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। चेकअप के दौरान तबियत बिगड़ी थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि स्थिति गंभीर है। हालांकि मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ था, लेकिन अभी खबर आ रही है कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, हार्ट अटैक की वजह से ही जान गई है। बड़ी खबर बांदा मेडिकल कॉलेज से इस वक्त आ रही है। माफिया मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है, मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। बीते कई दिनों से मुख्तार अंसारी की ओर से अलग अलग तरह की चिंताएं जाहिर की जा रही थी। हालांकि 2 दिन पहले जब मेडिकल चेकअप हुआ था, उसमें मुख्तार अंसारी पूरी तरह से फिट पाया गया था। उससे पहले एसिडिटी की प्रॉब्लम की वजह से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। 10-12 घंटे तक अस्पताल में भर्ती था, मेडिकल जांच, और उसके बाद उस जांच रिपोर्ट में जब वो मेडिकली फिट घोषित किया गया, जिसके बाद जेल लाया गया था। लेकिन आज शाम जब मेडिकल चेकअप हो रहा था मुख्तार अंसारी का, उसी वक्त अचानक ही बेहोश हो गया मुख्तार अंसारी और मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत हो गई है, ये खबर आ रही है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आ रही है। और इसी बीच सुरक्षा के मद्देनजर, हालात ना बिगड़े, व्यवस्था ना बिगड़े, इसके मद्देनजर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है। 59 मामले मुख्तार अंसारी पर थे, 7-8 मामलों में उसे सजा भी हो चुकी थी और अभी भी कई मामलों में सुनवाई चल रही थी, पेशी चल रही थी। इसी बीच मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आ रही है। आज शाम हार्ट अटैक, जिसके बाद मौत हो गई मुख्तार अंसारी की। पूरी डिटेल भी हम आपको देंगे कि आखिर डॉक्टर्स का क्या कहना है, कितने बजे आखिरी सांस ली मुख्तार अंसारी ने, उससे पहले क्या क्या हुआ था, ये न्यूज 18 आपको बता रहा है। जब जेल में ही आज मेडिकल चेकअप हो रहा था, डॉक्टर्स के सामने ही मुख्तार अंसारी अचानक बेहोश हो गया। पहले उसने बताया उसके सीने में दर्द हो रहा है, उसे पसीना आने लगा और फिर बेहोश हो गया। डॉक्टर्स की टीम तुरंत ही मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां पर 2 दिन पहले उसे भर्ती करवाया गया था। और अब मौत की खबर आ रही है। ऋषभ, आपके पास क्या अपडेट, मौत की खबर आ रही है मुख्तार अंसारी की? देखिए, ये मेडिकल कॉलेज के जो सोर्सेज हैं वहां से ये खबर आ रही है। हालांकि अभी भी पुलिस प्रशासन की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। मेडिकल कॉलेज के जो सोर्सेज हैं वो ये बात बताने के लिए तैयार हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। हालांकि पुलिस और प्रशासन के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं, तो अभी तक किसी ने मुख्तार अंसारी की मौत पर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऑफिशियली कब डिक्लेयर किया जाता है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। पुलिस प्रशासन के अफसरों को यही कहना है, जो कि सीधे मामला मेडिकल से जुड़ा हुआ है, लिहाजा हम लोगों को डॉक्टर्स की ओर से, बांदा मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं उनकी ओर से एक ऑफिशियल कंफर्मेशन की अभी जरूरत है। लिहाजा अभी एक इंतजार करना होगा कि मेडिकल कॉलेज की ओर से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन दिया जाए। जी, लेकिन इस बीच खबर आ रही है, ये खबर कहां से आई? अमित गंजू का रुख कर लेते हैं। अमित, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, ये खबर कहां से आई? औपचारिक अभी जानकारी मेडिकल कॉलेज की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन ये खबर आ रही है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि मेरे सहयोगी ऋषभ भाई बता रहे थे कि भी मेडिकल जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उन्होंने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, और न तो डॉक्टर्स, लेकिन सोर्सेज के वजह से ये लगभग पिछले 13-14 मिनट से ये फ्लैश चल रहा है कि उनकी मौत हो गई। और हालांकि जो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं अभी अपना फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और हम लोग लगातार उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, और लेकिन जो हॉस्पिटल के सोर्सेज से कुछ पता चला है कि ही इज़ नो मोर, लेकिन अभी जब तक ऑफिशियल कोई डिक्लेरेशन